ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 नवंबर 2016 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के चार क्वेश्चन। नंबर वन, हरेक के मन में कौन सा उमंग है? नंबर टू, कौन से दिन को बहुत समय याद किया? थर्ड, सबसे सुहावने ते सुहाना कौन? लास्ट, आपका राज्य कहां होगा? तो आज की मुरली में बाबा भले शांतिवन में पधारे, लेकिन दिल्ली की बहुत महिमा की और जैसे कि दिल्ली को विजुलाइज कराया, दिल्ली को बार बार याद किया। तो सुनते हैं अब। आज बाप दादा शांति वन में पधारे, लेकिन बच्चों को भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई, इसलिए दिल्ली के स्थानों को बार बार याद किया। ओम शांति। देखो इतने समय बाद इतने अंदाज में भाई बहने यहां तक मिलने आ रहे हैं। बाप से मिलने के लिए कहां कोई भी बातें हो तो भी यहां ही आना पड़े, और कितने सब साधन अपने साथ लेकर कितने प्यार से मिलने आते हैं। बाप दादा भी एक एक रतन को देख खुश होते हैं जो इतना दूर से मिलने आते हैं। बाप भी मिलने आते हैं और बच्चे भी मिलने आते हैं। यहां कुछ भी बहाना व इतराज नहीं। बाप भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, दोनों के मन में क्या है, कितना स्नेह, कितना मन में उमंगे हैं जो सदा उड़ते रहते। फिर हरेक अपने मन से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हरेक के मन में यह उमंग जरूर है। यह पहले प्रश्न का उत्तर, हरेक के मन में कौन सा उमंग है। हरेक के मन में यह उमंग जरूर है कि साकार में बाबा इतना दूर से आता है, बाबा भी दूर से आता है तो बच्चे भी दूर से आते हैं, ये मिलन भी एक और रौनक में ले आता है। हरेक के मन में उमंग कितना है, कहां जा रहे हैं बाबा से मिलने। बाबा से मिलना तो अच्छा, लेकिन कहां से कहां आकर के पहुंचते हैं, यही हर एक देखता रहता है। आज बाबा ने सबको अपने भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई, तो आज बाबा से मिले लेकिन दिल्ली में मिले, और दिल्ली वाले अपना कितना बड़ा भाग्य समझते हैं कि भगवान हमारे लिए आए हैं। दिल्ली में या मधुबन में सभी कितने भरपूर हो गए और इस दिन को कितना समय याद किया। ये है सेकंड क्वेश्चन, कौन से दिन को बहुत समय याद किया, इस दिन को कितना समय याद किया, कब वह तारीख आएगी जब बाप और बेटे का मिलन होगा। सीजन में जब बाबा आते थे ना, तो बहुत याद करते थे कब वो दिन आएगा जब बाबा बेटे का, बाप बेटे का मिलन हो। सब वे दिन याद करते थे कब आएगा, आज वो आ गया है। यह मिलन भी विशेष दिन है, सभी के दिल में कितनी खुशी हो रही है इस बात की कि हम कहाँ आ गए, कहाँ आए हैं, दिल्ली में आए हैं या मधुबन में आए। मधुबन में तो और बात है, लेकिन आज दिल्ली में आए और सब कितने खुश हो रहे हैं। जो दूर तक नहीं पहुंच सकते उनों के लिए तो जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। हरेक के दिल से पूछो अभी आप पहुंच गए हो, कितना दिन भी सुहाना है, और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा। प्रश्न था ना, सबसे सुहाने थे सुहाना कौन, सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। दिल्ली में पहुंच गए, दिल्ली में राज्य तो करना ही है, लेकिन पहले दिल्ली में सेवा भी करनी। दिल्ली में राज्य तो करना ही है,
पहले दिल्ली में सेवा भी करनी और बाबा से मिलना भी है। देखो कईयों के लिए तो बाबा से मिलना बहुत दूर है, बाप को भी राह नहीं जाता। हाँ, बाप को भी राह नहीं जाता। अच्छा, यह भी मजा ले ले, बच्चे भी बहुत होशियार हैं, लेकिन बाबा जब देखते हैं कि बच्चों का प्यार सब तरफ से है, बाप भी सोचते हैं बच्चे सब देख लें, और बाप भी समझते हैं अभी आबू में रहे हुए हैं, आबू में क्या क्या देखेंगे, जो थोड़ा था वह तो देख लिया, अभी क्या देखेंगे। इसलिए प्रोग्राम बनाया जो ये पास में मशहूर स्थान है, जैसे जयपुर है ऐसे भी मुख्य स्थान यहाँ के देख लेवे, आपको भी पसंद है ना, मुख्य स्थान जो है ना मैं देख लेवे, तो बाबा को बच्चों को घुमाना तो है ना। दिल्ली तो हमारे राज्य में नंबर वन है, दिल्ली पर राज करेंगे ना, आपका राज कहाँ होगा, दिल्ली में राज करेंगे ना, आपके लिए राज तैयार हो रहा है, सभी खुशी खुशी से देखो पहुंच गए हैं। हाँ, कौन पहुंच गए हैं, सूक्ष्म शरीर में सब पहुंच गए हैं, और बाप को भी खुशी होती है कि इनों का राज्य तो वहां ही होना है, राज्य करेंगे ना आप दिल्ली में, तो राज्य दिल्ली में करेंगे, किसी ने कहा तपस्या शांति वन में करेंगे। सभी की बहुत समय से दिल थी कि हम अपनी राजधानी को भी देखें, कहां राज करेंगे, राज तो आप ही करेंगे ना, तो अभी से देख लो, कोई भी एडिशन करनी है तो बाबा को बता दो कि थोड़ा कम दिखाई देता है, बाबा भी खुश होता है, जिस बच्चे भी जिसमें खुश होते हैं, अच्छा है। जब बच्चे खुले दिल से कहते हैं नहीं बाबा ये स्थान जरूर देखेंगे, तो बाप भी ले जाता है। कुछ लोगों को थोड़ा थकावट या कुछ भी होता है, लेकिन उनको 5 मिनट कोई योगी बच्चा या बच्ची को मिला के उनका लक्ष्य देकर उनमें ताकत भरते हैं, जो बीच से निकल नहीं जाए, जितने निकले हैं उतने तो पहुंचे ना। आप लोग भी कहां राज्य करेंगे, दिल्ली मुख्य है ना, आता है ना, हम राज्य करेंगे, हमारा राज्य तैयार हो रहा है। यह सब किस लिए हो रहा है, प्रकृति भी हमारे लिए तैयार हो रही है, बाप भी देख रहे हैं कि प्रकृति भी इनों की बहुत मददगार बनी, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि बच्चे तो अच्छी मेहनत करते हैं, मदद करने में, समझने में, समझाने में सभी मेहनत अच्छी कर रहे हैं, और सब खुश हैं, ये चक्र लगाने में खुश हैं, हैं खुश, जो खुश हैं वे हाथ उठाओ, हाथ तो उठा रहे हैं, कितना भी कहो लेकिन बाप दादा भी साथ है, ये वंडरफुल बात है, बाप को भी मजा आता है, हाँ मजा आ रहा है बच्चों के साथ, तो बच्चे भी खुश हो रहे हैं, वैसे तो इतने रह नहीं सकते, लेकिन अभी जब बाप दादा ने प्रोग्राम बनाया तो हर एक हर स्थान देख ले, राजधानी देखने की खुशी तो होगी ना, यहां राज्य करेंगे और मुख्य राजधानी देख ली तो सब देख लिया। बाबा जानते हैं कि सब चक्कर लगाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सबको बीच में आराम भी देते हैं, जिससे वे थकावट के कारण ऐसे इतना नहीं चक्कर लगा सकते। लेकिन देखना ही है तो अपनी रुचि से, अपने दिल से चक्कर लगाने में थकावट कम होती है। आप सब दिल्ली में राज्य करने वाले हैं, वे तो भाषण करने वाले हैं, हाँ भाषण करने आते हैं, उससे आपने देख लिया कि क्या क्वालिटी है, क्वालिटी सबको अच्छा लगा, जहां आप राज्य करेंगे वे एडवांस में देख लिया, देखा अच्छा लगा, अच्छा सेवा का टर्न कर्नाटक और इंदौर जोन का है, बाप दादा भी खुश है, सभी प्यार से अपनी राजधानी तैयार कर रहे हैं, कुछ किया हुआ है कुछ कर रहे हैं,
आप अच्छी तरह से देख लो आपके राज्य में क्या क्या किया होगा, और जो खास मिस हो तो बता सकते हो। पसंद है दिल्ली? हाँ पसंद है दिल्ली, क्योंकि पीछे भी तो राज करना है ना, वह भी दिल्ली में ही करना है। इतना टाइम से बैठे हैं तो थक गए होंगे। अब बाबा को बच्चों की थकावट की बात, सब 3 मिनट बैठो और विदाई लो। ग्लोबल हॉस्पिटल की सिल्वर जुबली ईयर चल रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी क्या करना है, 40 देशों से 400 डबल विदेशी आए हैं बाबा। सभी ने माउंट आबू तो देखा है ना, लेकिन आप लोग जो सुनते हो, आज ये हाल में प्रोग्राम चल रहा है तो अभी तो आपके सामने वह देखा हुआ आता है, देख चुके हो वह सामने आ जाता है, तो देखने से मजा मजा भी आ जाता है। अभी प्रोग्राम हुआ ही नहीं है, हाँ बाबा ने कहा अभी तो देखने से मजा भी आता है, अभी प्रोग्राम हुआ नहीं है, होना है, लेकिन है यही हाल जहां सब ऑफिशियल प्रोग्राम चलने हैं। ब्रकट मुन्नी बहन ने बाप दादा को कहा, मोहिनी बहन बहुत याद देती है। बाबा ने पूछा वह कहाँ है, अभी वह सेवा कर रही है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।